स्वागत है आपका आज के एक न्यू वीडियो में। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज मैं आप लोग को किस तरह का वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूं। तो इसके लिए आपको दो एप्लीकेशन का यूज करना होगा, एक टर्बो वीपीएन और एक कैपकट, जो आपको इजीली क्रोम ब्राउजर पे या फिर प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और कैपकट का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको वीपीएन ओपन कर लेना होगा, स्टार्ट भी ट्रायल कर ली यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर जो सर्कल का जो आइकन आ रहा है आपको इसको टैप कर देना होगा। यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है यहाँ पे, आप टैप कीजिए और लंदन पे टैप कर दीजिए। बस इतने टैप कर देने के बाद आपका जो नेटवर्किंग हो जाए थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। वीपीएन मेरा कनेक्टेड हो गया, यहाँ पे कनेक्टेड हो गया मेरा वीपीएन। वीपीएन कनेक्टेड हो जाने के बाद आपको कैपकट ओपन कर लेना होगा। कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए आपको न्यू प्रोजेक्ट पे आपको टैप कर देना होगा। न्यू प्रोजेक्ट टैप कर देने के बाद आपको कोई सा भी एक फोटो ले लेना होगा। आप चाहे तो खुद का फोटो ले सकते हैं या फिर किसी भी एक्टर का फोटो ले सकते हैं, तो मैं एक एक्टर का फोटो ले लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ऐड का नीचे ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। बस ऐड कर देने के बाद इसको 9:16 का रेशियो कर देना है इसको फॉर्मेट में जाकर। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट का ऑप्शन यहाँ पे देखिए आ गया है, फॉर्मेट में जाएंगे यहाँ पे 9:16 का रेशियो कर लेंगे। 9:16 का रेशियो कर लेने के बाद फोटो को थोड़ा जूम करके पूरे में लगा देंगे। बस इतना हो जाने के बाद पूरे में लग गया। अब ये जो फोटो का लेयर है आपको इसको 4 सेकंड तक कर देना होगा। 4 सेकंड कर देने के बाद इसका यहाँ पे जो आपको लास्ट पेंडिंग में जो कैपकट आ रहा है इसको ख़त्म कर देना होगा। बस फोटो के लेयर को आपको 2 कॉपी कर लेना होगा। 2 कॉपी कर लेने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा राइट साइड स्क्रॉल कर लीजिए, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ गया चुका। फिर एक और इसका कॉपी कर लेना होगा आपको, यहाँ फिर राइट साइड स्क्रॉल करके जाइए और एक और कॉपी कर लीजिए। बस देखिए यहाँ पे मेरा 3 लेयर हो चुका है फोटो का, 3 लेयर 4 सेकंड का। अब आपको इसमें एक कोई सा भी ऑडियो ऐड कर लेना होगा। ऑडियो ऐड कर लेने के लिए देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, वो ऑडियो का ऑप्शन पे टैप करना होगा। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ रहा है, एक्सट्रैक्ट कर लेना होगा। आपको कोई वीडियो लेना है, इस वीडियो को मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको टैप कर देना होगा, यहाँ पर टैप कर दीजिए इम्पोर्ट फ्रॉम वीडियो हो जाएगा। आपको जो ऑडियो है जो वीडियो से बाहर निकल कर आ चुका है। बस इतना हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कुछ करना नहीं है, बस जो आपका 10 सेकंड का ऑडियो और 12 सेकंड का वीडियो है, बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वो लास्ट में आपका मेंटेन हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद सबसे पहले आपका पहले फोटो क्लियर में आपको इफेक्ट लगा लेना होगा। इफेक्ट लगाने के लिए यहाँ पे देखिए इफेक्ट का ऑप्शन आ चुका है, इफेक्ट आपको टैप करना होगा। इफेक्ट के बाद यहाँ पे देखिए वीडियो इफेक्ट का ऑप्शन आ चुका है, वीडियो इफेक्ट आपको टैप करना होगा। यहाँ पे बेसिक का ये जो बेसिक है यहाँ पे आपको टाइप करना है, बेसिक के पास बेसिक टाइप करने के बाद यहाँ पे हेलो ब्लर है जो सेकंड में आ रहा है, आपको हेलो ब्लर पे टाइप करना होगा। और एडजस्ट में जाकर आपको जो इंटेंसिटी है इसको आपको फुल कर देना होगा। इंटेंसिटी फुल कर देने के बाद आपको देखिए यहाँ पे जहाँ तक का फोटो का लेयर है वहाँ तक के आपको इस वीडियो इफेक्ट को लगा देना होगा। बस इतना हो गया आपका, वीडियो इफेक्ट लग गया। बस इतना हो जाने के बाद आप देख सकते हैं नॉर्मली। सबसे पहले तो मैं ऑडियो को थोड़ा सा म्यूट कर देता हूँ ताकि कॉपीराइट क्लेम ना आए। बस इतना हो जाने के बाद देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह सा ये जो ब्लर है जो आ रहा है। बस इसके बाद आपको सेकंड में जो इफेक्ट लगाना हो, थर्ड में इफेक्ट लगाना हो, मैं आगे बता रहा हूँ, एक दो बार बैक हो जाना होगा आपको। इसके लिए आपको फ़ोटो क्लियर पे टैप कर देना होगा। फोटो क्लियर पर टैप कर देने के बाद यहाँ पर आपका स्टाइल का ऑप्शन आ चुका है। स्टाइल का ऑप्शन आ जाने के बाद यहाँ पर देखिए पार्टिकल करके एक सेकेंड पर पार्टिकल करके एक इफेक्ट है, आपको इफेक्ट को आपको लगा देना होगा। देखिए मेरा जनरेटिंग हो चुका है। जनरेटिंग हो जाने के बाद आपको जो एक में है जो आपको ये वाला इफेक्ट लग गया और दूसरे में जाकर आपको थर्ड वाला जो इफेक्ट है आपको ये लगा देना होगा। बस इतना लगा जनरेटिंग हो जाने के बाद आपको खुद ब खुद इफेक्ट उसमें लग जाएगा। बस इतना हो जाने के बाद देखिए आप बस जनरेटिंग हो गया। ये देखिए आपका जो शुरू में आपका जो 10 सेकेंड का आपको ऑडियो था और 12 सेकेंड का वीडियो था, जो दोनों मेंटेन हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर बस थोड़ा सा इसको लास्ट वाले लेयर को थोड़ा सा बढ़ा देना होगा ताकि लास्ट में ब्लैक ना पता चले। चलिए यहाँ पे सही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से मैं पहला मेरा हेलो ब्लर था इफेक्ट, दूसरा में आपका ये जो पार्टिकल टाइप का था और तीसरे में फिर से आपका ये पार्टिकल टाइप का था। बस इतना हो जाने के बाद आपको एक काम और करना है। बस यहाँ पर जो लेयर का ऑप्शन है ट्रांजिशन का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। ट्रांजिशन के ऑप्शन पर टाइप कर देने के बाद यहाँ पे देखिए आपका जो वर्टिकल टाइप के यहाँ पे फर्स्ट में जो आपको इफेक्ट है ये आपको लगा देना होगा। वर्टिकल इफेक्ट लगाने के बाद इसका जो सेकंड है इसको 0.5 सेकंड कर लेना होगा। यहाँ पे 0.5 सेकंड कर लीजिए इसको। बस इतना हो जाने के बाद आप देख सकते हैं पूरे वीडियो को, वीडियो बनकर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं इस वीडियो को किस तरह से एडिटिंग हुआ है, यहाँ पर सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर। बस इतना हो जाने के बाद आपको थोड़ा सा लास्ट वाले लेयर
लास्ट वाले लेयर को थोड़ा सा और बढ़ा देना होगा आपको, बस अपने ऑडियो के हिसाब से, ना ऑडियो कम हो ना आपका वीडियो कम हो, बस दोनों दोनों 10-10 सेकंड का हो जाए, बस इतना हो जाने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे सबसे ऊपर में यहाँ पे एक कॉर्नर में यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, एक्सपोर्ट आपको कर लेना होगा। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपको सेव कर लेना होगा इसमें, जैसे मैं कर लेता हूँ, आपको कर कर बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका यहाँ पे डन का ऑप्शन आ चुका है, बस आपको डन कर लेना होगा। और यहाँ पे वीडियो बनकर मेरा रेडी हो गया, जो गैलरी में मेरा आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरा गैलरी में वो वीडियो आ गया है। बस आज के लिए इतना ही,